हेलो किड्स, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम समझेंगे हाउ टू कन्वर्ट एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स। इसको समझने के लिए मैंने कुछ वर्कशीट्स भी बनाई हुई हैं इस तरह से। यहाँ पे वर्कशीट भी अब हम सॉल्व करेंगे और जो रूल्स होते हैं इसके कि किस रूल्स को हम फॉलो करके इनको हम चेंज करते हैं फ्रॉम एडजेक्टिव टू एडवर्ब, इनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। इन रूल्स का आपको PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड मोर ओवर वर्कशीट्स, जो भी क्वेश्चंस हैं उनका PDF भी आप वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू नो दिस, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं एंड इस टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, अभी मैं आपको वो समझाती हूँ। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स। सो यू डू यू नो व्हाट आर नाउंस? नाउंस आर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, राइट? दीज आर नाउंस, यू नो दैट। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विच शो द क्वालिटी ऑफ, किसकी क्वालिटी शो करते हैं ये? क्वालिटी ऑफ नाउन। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? नाउन की क्वालिटी शो करते हैं। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, नाउन की क्वालिटी, इसका आपको ध्यान रखना है। देन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, और यू कैन से डूइंग वर्ड्स भी हम इनको बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स भी हम इनको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स। अब ये देखिए, एडवर्ब्स नाम से आपको पता चलना चाहिए, नाम में क्या है? वर्ब्स। तो ये किसकी क्वालिटी शो करेंगे? विच शो द क्वालिटी ऑफ वर्ब्स, ये वर्ब की क्वालिटी शो करते हैं। एडजेक्टिव्स कैसे वर्ड होंगे? जो नाउन की क्वालिटी शो करेंगे, मतलब किसी पर्सन की, कि वो पर्सन कैसा है, वो प्लेस कैसा है, उस तरह से उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एंड एडवर्ब्स, कोई काम किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? वर्ब की क्वालिटी शो कर रहे हैं। और वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं, मतलब कोई भी काम किस तरह से किया जा रहा है उसको अगर कोई वर्ड बताता है तो वो है एडवर्ब। नाउ समझेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सो लेट्स सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। जैसे अगर मैंने लिखा द गर्ल इज ब्यूटीफुल, नेक्स्ट मैंने लिखा शी डांसेस ब्यूटीफुली, इस तरह से मैंने ये लिखा। मैंने आपको टू सेंटेंसेस लिख के दिखाए हैं, द गर्ल इज ब्यूटीफुल एंड शी डांसेस ब्यूटीफुली। अब सबसे पहले आप इसमें फर्स्ट में देखेंगे तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? इसमें एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, दिस इज एडजेक्टिव, ये है एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि ये नाउन को और एक्सप्लेन कर रहा है एंड नाउन क्या है यहाँ पे? गर्ल है। गर्ल को ये और एक्सप्लेन कर रहा है हमें कि गर्ल कैसी है, शी इज़ ब्यूटीफुल, राइट? तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में है शी डांसेस ब्यूटीफुली। नाउ डांसेस, डांस करना है क्या है? एक एक्शन है। सो यू कैन से दिस इज अ वर्ब, ये क्या है? एक वर्ब है। सो शी डांसेस ब्यूटीफुली। अब ये ब्यूटीफुली जो ये वर्ड है, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? ये डांस के एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है एंड नॉट द गर्ल। गर्ल के बारे में नहीं बता रहा है, ये डांस के बता रहा है कि डांस वो कैसा करती है, ब्यूटीफुली डांस करती है। सो दिस ब्यूटीफुली इज, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एडवर्ब। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ स्पेशली समझाया
जो वर्ड नाउन की क्वालिटी बताएगा उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एंड जो वर्ड एडवर्ब, जो वर्ब की क्वालिटी बताएगा उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। एंड एडवर्ब की एक आइडेंटिफिकेशन है, वो एल वाई से एंड होता है, एल वाई से वो एंड होता है। आते हैं हम रूल्स पे, किन रूल्स को फॉलो करके हम एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, हम एल वाई ऐड करते हैं, जैसे अभी हमने किया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, इस तरह से हम एल वाई ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं मैंने, ब्रेव, ब्रेवली, रूड, रूडली। जस्ट हमने क्या किया, स्पेलिंग लिख के एंड एल वाई ऐड कर दिया। नेक्स्ट, एक एक्शन ऐसा होता है एंडिंग विद Y, क्या होता है एडजेक्टिव में जो Y से एंड होता है, लास्ट में क्या होता है, Y होता है, उसके लिए क्या रूल है, आपको क्या करना है, रिप्लेस Y विद I, Y को आपको I में कन्वर्ट कर देना है, Y को हटाना है, I लिखना है, और उसके बाद आपको ly ऐड करना है। तो अब देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे angry, ये Y से एंड हो रहा है, y से एंड हो रहा है, तो y को हटा के हमने i लिखा एंड ly ऐड कर दिया, सो दिस बिकम्स angrily। ऐसे ही happy, happily, ये रूल्स हैं, ये आपको लर्न करने होंगे। ऐसे प्रैक्टिस आप करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडिंग विद le, अगर कोई एडजेक्टिव le से एंड हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एल ही को हटा के और क्या लिख देंगे, वहाँ पे एल वाई लगा देंगे। जैसे ये है जेंटल, तो ये क्या बन गया, जेंटली, यहाँ पे आपने एल ई को हटाया और एल वाई लगा दिया, सिर्फ ये चेंज है। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल है प्रोबेबल, प्रोबेबल, तो क्या बन गया, प्रोबेबली। इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं, आप इसको मार्क कर सकते हैं, एल ई को चेंज करके हमने एल वाई में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है एंडिंग विद आई सी, एक जॉलीफोनिक साउंड, मतलब एक, अगर कोई एडजेक्टिव आई सी से एंड हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके आगे ए डबल एल वाई ऐड करेंगे। जैसे ये क्या है, मैजिक, एक बताया मैंने अभी आपको, एक मैजिक, तो आपने क्या करा, इसके आगे ए डबल एल वाई ऐड कर दिया। स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली, ए डबल एल वाई, इस तरह से हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट है एंडिंग विद एल, जैसे अभी हमने करा था ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में अभी एग्जांपल हमने किया था, तो हम देखिए उसमें हमने कैसे लिखा था, ये था वो ब्यूटीफुल, एल से वो एंड हो रहा था तो हमने क्या किया, एक एल वाई उसके साथ ऐड कर दिया, सो दिस विल बिकम डबल एल वाई, इस तरह से वो चेंज हो जाएगा। यही ये वाला रूल है एंडिंग विद एल, एल से अगर एंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एल वाई उसके साथ ऐड कर देंगे। जैसे कि केयरफुल, केयरफुली, होपफुल, होपफुली। इन रूल्स के साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हार्ड, स्ट्रेट, बैड, फास्ट, ये सब वर्ड्स अगर आते हैं, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, अगर ये सब वर्ड्स आते हैं तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, देर इज़ नो चेंज इन मेकिंग द एडवर्ब फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, कोई भी चेंज नहीं होगा। लाइक हार्डली, हार्डली इज़ नो सच वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता है हार्डली, स्ट्रेटली, बैडली, फास्टली, ऐसा नहीं होता है, इस तरह से हम कभी भी नहीं बोलते हैं। और एक वर्ड और है जैसे गुड, गुड, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसको अगर हम चेंज करेंगे एडवर्ब में तो ये क्या बन जाएगा, ये वेल बन जाएगा, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये कम्प्लीटली चेंज हो रहा है, इन सब में कोई चेंज नहीं है एंड ये कम्प्लीटली चेंज हो रहा है, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं एल वाई ऐड करके गुडली, ये रॉन्ग है, गुडली कोई भी वर्ड नहीं होता है। हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स, ये एडजेक्टिव्स आपको दिए गए हैं, आपको एडवर्ब में चेंज करना है।
वही रूल्स लगाने हैं जो अभी मैंने आपको समझाए हैं। अभी फ़िलहाल आप रेफरेंस के लिए अपने साथ इसको रख सकते हैं। ये रूल्स हैं जो अभी मैंने सब करवाए थे आपको, इनको आप अपने साथ रख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। सो देखिए, फर्स्ट है केयरफुल, एल से एंड हो रहा है। एल से एंड होने वाले का क्या रूल था? आपको एक एल वाई ऐड करना है जस्ट। तो ये क्या बन जाएगा? केयरफुली, इस तरह से ये बन जाएगा केयरफुली। नेक्स्ट है नाइस, नाइस इसको हम क्या लिखेंगे? नाइसली। क्लियर, क्लियरली, एल वाई ऐड हो रहा है इनमें। गुड, अभी मैंने आपको बताया गुड एक एक्सेप्शन है। गुड का क्या बन जाता है? वेल। ये आपको याद रखना है, ये चेंज कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। हार्ड, हार्ड अभी मैंने आपको बताया हार्ड चेंज नहीं होता है। लाउड, लाउडली, लाउड क्या बन जाएगा? लाउडली। लेजी, लेजी ये देखिए किससे एंड हो रहा है? वाई से एंड हो रहा है। वाई से एंड होने का रूल क्या है? हमें क्या करना है? वाई को आई से रिप्लेस करना है एंड देन हमें एल वाई ऐड करना है। लेजी विल बिकम लेजीली। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल विल बिकम ब्यूटिफुली, ब्यूटिफुली। हैप्पी विल बिकम हैप्पीली। वाई से एंड हो रहा है, वाई से एंड हो रहा है, आपको आई लगा के और साथ में एल वाई राइट करना है। सेफ, सेफली। काइंड, काइंडली। नॉइजी, नॉइजी किससे एंड हो रहा है? ये वाई से एंड हो रहा है। अगेन वही रूल आपको फॉलो करना है। मैं रूल्स बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में ये लर्न हो जाए। वाई को हमें रिप्लेस करना है आई से एंड देन वी विल ऐड एल वाई टू इट। फास्ट विल बिकम फास्ट ओनली, नॉट फास्टली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द वर्ड्स इनटू करेक्ट कॉलम। यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ आपके थ्री कॉलम्स हैं, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स इज इक्वल्स टू एडवर्ब्स। मींस नो चेंज वाला जो अभी एक्सेप्शन बताया था, वो ये थ्री बॉक्सेस इस तरह से बने हुए हैं। आपको इसमें सही कॉलम में सही वर्ड राइट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बॉक्सेस को नंबर दे देते हैं ताकि मैं आपको अभी नंबर्स के थ्रू बताऊंगी कौन सा वर्ड किस बॉक्स में जाएगा। देखिए अब एडजेक्टिव्स, राइट। अब ये देखिए क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या है? नर्वस। नर्वस क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो इसके वन में जाएगा। क्वाइटली, दिस इज एडवर्ब, ये टू में जाएगा। लाउड, ये क्या है? एडजेक्टिव है, सो फर्स्ट में जाएगा। क्विक, एडजेक्टिव। एंग्री, एडजेक्टिव। लाउडली, एडवर्ब। एंग्रीली, एडवर्ब। लॉन्ग, इट इज इक्वल, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स ये इक्वल है। लॉन्ग, इसमें लॉन्गली नहीं हो पाएगा तो ये थर्ड बॉक्स में जाएगा। केयरफुल, एडजेक्टिव है, केयरफुली। एडवर्ब है लेट, ये सेम है। ब्रेव, एडजेक्टिव है। ब्रेवली, दिस इज एडवर्ब। सून, सून दोनों में सेम रहेगा, थर्ड। ब्यूटिफुल, इट इज़ एन एडजेक्टिव। ब्यूटिफुली, इट इज़ एन एडवर्ब। हाई इज इक्वल, सेम रहेगा। हाई, फास्ट, ये दोनों सेम रहेंगे। क्यूरियस, क्यूरियस एडजेक्टिव है। क्यूरियसली, ये एडवर्ब है। जेंटली, एडवर्ब है। वाइट, एडजेक्टिव है। लेजी, एडजेक्टिव है। लेजीली, एडवर्ब है। इस तरह से आपको ये सही बॉक्स में ये वर्ड्स राइट करने हैं। थ्री बॉक्सेस आपको दिए गए हैं, आपको इन बॉक्सेस में इनको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव। आपको सेंटेंस रीड करना है और आपको चूज़ करना है कि यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए या फिर एडजेक्टिव आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट जब स्लाइड दिखाई थी, फर्स्ट ही वीडियो में हमने ये करा था कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है, हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आप वो समझेंगे। फर्स्ट, द गर्ल एंड द बॉय आर डैश टू बी बैक फ्रॉम द वीकेंड। सबसे पहले आप अगर सेंटेंस से समझ जाते हैं तो वेल एंड गुड,
बट नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको क्या बताई थी, अगर नाउन को एक्सप्लेन करना है सो यू विल यूज एडजेक्टिव, एंड अगर एक्शन वर्ड्स मीन्स वर्ब को एक्सप्लेन करना है तो आप एडवर्ब का यूज़ करेंगे. अब इसमें किसकी बात हो रही है, गर्ल एंड बॉय की बात हो रही है, मीन्स नाउन की बात हो रही है. तो सिंपल है, ये क्या आएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव आना चाहिए यहाँ पे, मीन्स हैप्पी आना चाहिए, हैप्पीली नहीं आएगा. तो सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस विल बी द गर्ल एंड द बॉय आर हैप्पी टू बी बैक फ्रॉम द वीकेंड. इस तरह से आप इसको फिल करेंगे. द टीचर स्पोक इन एन डैश वॉइस टू द किड्स. अब देखिए, अब किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, द टीचर स्पोक, स्पोक स्पोक करना मीन्स बोलना, बोलना इज एन एक्शन, वर्ब है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एडवर्ब यूज़ करेंगे. सो एंग्रीली यहाँ आएगा, एंग्रीली, आप समझे. इसीलिए मैंने आपको सब स्टार्टिंग में ये चीज़ समझाई थी, नाउन को एक्सप्लेन करना है तो एडजेक्टिव, वर्ब को एक्सप्लेन करना है तो एडवर्ब. मॉम टच्ड हर आर्म डैश, अगेन टच एक एक्शन है, तो क्या आएगा यहाँ पे, जेंटली, जेंटली. एवरीवन इज डैश ड्रेस्ड टुनाइट, एवरीवन इज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, एक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ड्रेस्ड, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड. इसी तरह से आपको ये सारी वर्कशीट सॉल्व करनी है. मैं अभी आपको करके नहीं दिखाऊंगी, इन केस आपको किसी के भी आंसर चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ये वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप वर्कशीट सॉल्व कर सकें इजीली. चूज़ द करेक्ट आंसर, सेम है, बस फॉर्मेट चेंज है. आपको सही एडजेक्टिव या एडवर्ब चूज़ करना है, क्या आएगा वही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है. जैसे कि ये है, फर्स्ट, पीटर इज़ वेरी क्वाइट या क्वाइटली, पीटर इज़ वेरी क्वाइट. इसका रीज़न आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पे क्वाइट हमने क्यों चूज़ किया, क्वाइटली हमने क्यों नहीं किया. क्योंकि अभी इस क्लास में मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये लर्न हो जाए. His brother is running very quick या quickly. His brother is running very quickly. Running की बात हो रही थी क्योंकि, इसीलिए. All right. तो चलिए, आज का क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने तक बिल्कुल मत रखिएगा, इसको शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस में ताकि ये सब वर्कशीट्स उनकी तरफ भी शेयर हो जाएँ. एंड चलिए, अब मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.